हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय एवी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बनाएंगे गुजरात की स्पेशल रेसिपी जो कि है हांडवो। हांडवो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स के साथ भी इसे हम बना सकते हैं। ये हम ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे, तो चलिए इसे कैसे बनाना है इसका तरीका हम देख लेते हैं। हांडवो बनाने के लिए हमें यहाँ पे चावल, कच्चे चावल 1 कप यूज़ करने हैं। 1 कप चावल प्लस 1.5 कप चना दाल, 1/4 कप हमें यहाँ पे तुअर दाल लेना है, अरहर की दाल, और 2 टेबलस्पून हमें यहाँ पे उड़द की दाल लेनी है, वाइट उड़द की दाल जो आती है वो। इसे हमें वॉश करके सोक करके रखना है, 2 से 3 बार वॉश करके 4 घंटे के लिए सोक करना है। आफ्टर 4 आवर्स हमें इसे मिक्सर जार में लेना है, पानी निकाल देना है दाल में से, और फिर इसमें 1.5 कप कर्ड ऐड करना है और इसे हमें स्मूथ पेस्ट कर लेना है यहाँ पे। अब इसे हमें 8 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रखना है। 8 से 12 घंटे के लिए इसे फर्मेंट होने के लिए रखा जाता है। आफ्टर 12 आवर्स इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे पानी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 1.5 कप दूधी ऐड की है, ग्रेट की हुई। 1/4 कप मैंने कोरिएंडर ऐड किया है। 1 टेबलस्पून जितना जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है। अगर गार्लिक आप नहीं खाते हो तो जिंजर एंड चिल्ली का पेस्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे चिल्ली का पेस्ट भी ऐड किया है 1/2 टीस्पून जितना। 1/2 टीस्पून टर्मरिक ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मैंने जैसे पहले कहा था, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे पानी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 1/4 कप जितना पानी ऐड किया है। अब इसका बैटर हमें बनाना है। यहाँ पे इडली या डोसा के जैसा बैटर नहीं बनता है, थोड़ा सा थिक ही बैटर रहता है इसका। बैटर में हमें सॉल्ट भी ऐड करना है। सॉल्ट एज पर टेस्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे हमें अब इनो ऐड करना है, जो फ्रूट सॉल्ट आता है उसे ऐड करना है 1/2 टीस्पून 1 पार्ट में। और दूसरे पार्ट में जब हम हांडवो बनाएंगे उसके पहले ही उसमें इनो ऐड करके जैसे वीडियो में बताया वैसे अच्छे से मिक्स करना है। मीनवाइल यहाँ पे मैंने 1 पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। एक जो डिवाइड किया हुआ पार्ट है उसका हम हांडवो बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है कढ़ाई में। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा वैसे इसमें मस्टर्ड सीड्स और जीरा ऐड करना है। इसे अच्छे से स्प्लटर होने देना है। जब जीरा अच्छे से स्प्लटर हो जाएगा तब हमें इसमें हींग ऐड करना है। हींग मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून जितनी हींग ऐड की है, आप कम या ज़्यादा यहाँ पे हींग ऐड कर सकते हो। हींग ऐड करने के बाद अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जितना सीसम सीड ऐड करेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो ग्रीन चिल्ली को ऐड कर सकते हो कट करके, या फिर करी लीव्स को ऐड कर सकते हो। करी लीव्स ऐड करना ज़रूरी है, बट लॉकडाउन के वजह से अब मेरे पास यहाँ पे करी लीव्स नहीं मिल रहा है, वरना इस रेसिपी में करी लीव्स बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पे सीसम सीड का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। हम अब इसमें जो बैटर हमने रेडी किया था उसे ऐड कर देंगे। इसे ज़्यादा स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी हल्के से स्पून की मदद से इसे स्प्रेड कर लीजिएगा। और फिर ढक के इसे हमें 6 मिनट एक तरफ पकाना है, या फिर ऊपर की ओर से कुक होने के बाद इसे हमें पलट लेना है। यहाँ पे स्पून की मदद से मैंने इसे पलट लिया है। आप चाहे तो एक प्लेट पे इसे उल्टा करके भी पलट सकते हो। यहाँ पे दूसरी ओर से भी हमें थोड़ी देर तक इसे कुक होने देना है, 3 से 4 मिनट तक। एक बार आप इसे बीच में चेक ज़रूर कीजिएगा। लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हमें कुक होने देना होता है। ये थोड़ा सा फुल भी जाता है, आप देख पाओगे एकदम अच्छे से ये कुक हो चुका है। अब इसे मैं एक प्लेट में ले लूँगी और दूसरा जो हांडवा है उसमें हम जब हांडवा बनाएंगे, ध्यान रखिएगा तुरंत ही हमें 1/2 टीस्पून इनो ऐड करके मिक्स करके इसे पोर करना है कढ़ाई में। यहाँ पे हांडवा बनके तैयार है और बहुत ही अच्छा कलर आया है, और खाने में तो ये बहुत ही अच्छा और लाजवाब लगता है। चाहे तो इसे ग्रीन चटनी सॉस या फिर चाय के साथ सर्व कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, अगर रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। थैंक यू।